Good morning, children. Today we learn English subject. See page number 24 and 25 पर है आज H. H for horse, H for house, H for hen and H for hat. हमने अभी तक यहाँ का रिवीजन हमने कंप्लीट किया. अभी चिल्ड्रन डेली बाय डे जो भी अल्फाबेट ऐड होता है तो वो आपको डेली बेसिस पर लिखना है, बिकॉज कि ये कर्स्यू है, इसलिए आप डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके चिल्ड्रन, अल्फाबेट रिकॉग्नाइज करना है, वो सब डेली आपको एक बार लिख लेना है. नाउ एच फॉर हैड्स, अभी एच को देखो किस तरह से वो लिखा हुआ है. तो हम पहले फिंगर से ट्रेस करेंगे. तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखो नंबर 1 से स्टार्ट करो, ऊपर गए, नंबर 2 के पास पहुँचे, नंबर 3 के पास जाएंगे, नंबर 3 ये देखो अभी यहाँ पहुँचे, नंबर 4 के पास पहुँचे, फिर नंबर 4 ऊपर का एरो दिखा रहा है तो ऊपर गए, और किसके पास जाना है, नंबर 5 के पास, नंबर 5 से नंबर 6 के पास. ओके, ये आपको 10 टाइम लिखना है. वापिस एक बार ऐसे नीचे ऊपर ऐसे वापिस, यहाँ से देखिए. वापिस ऐसे, ओके, इस तरह से आपको 10 टाइम लिखना है. हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस. अभी यहाँ देखिए, अभी हमको टू लाइन में लिखना है. रेड डॉट से स्टार्ट करो, रेड डॉट से स्टार्ट करो, ऊपर गए, काउ लिया, नीचे आए, फिर वापिस ऐसे. वापिस देखिए एक बार, ये आप 10 टाइम लिखोगे ना, इसलिए ऑटोमेटिक आ जाएगा ये, है ना. एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, सिंपल जो एच है वही है, पर हम स्टैंडिंग लाइन करते हैं देन ये करते हैं. और इसमें पहले स्टैंडिंग लाइन ऐसे किया, नीचे आए और फिर ऐसे किया. ओके, थोड़ा सा चेंज है इसमें. अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर गए, कौलिया, नीचे आए, और सम सिंपल जो एस लिखते वो कौलिया, नीचे आए. वापस एक बार, कौलिया, नीचे आए, एच ओके. इस तरह से आप यहाँ तक कंप्लीट करना है. एंड राइट टुडेज डेट 13/3/2021. सी चिल्ड्रन, हम आज ये करेंगे बराबर. फिर आपको क्या करना है, ए से लेकर सी, ए ए ए टू एच आपको बुक में एक बार लिखना है. ये तो करना ही है, फिर कल संडे है, इसलिए आपको ए टू एच विद देयर पिक्चर्स, यानी ए फॉर एप्पल हमने किया, बी फॉर बॉल किया, इस तरह से उसके पिक्चर के साथ आपको लिखना है और पिक्चर का नाम बोलना है. एच लिखो, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, इस तरह से. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.